हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पहलगांव से बताऊंगी कि वहाँ पे क्या क्या करना है। ये आपको बोर्ड में दिखा रही हूँ, इसमें ये रेट लिखी हुई है, कन्ही मुल्ला का इतना, पहलगांव वैली का इतना, ये सब बेकार की रेट है यहाँ पे। और ये बोलते हैं हम 6 पॉइंट लेकर जाएंगे, 6 पॉइंट कुछ नहीं होता है, वो बीच के रास्ते हैं, वहाँ पे कोई उतरना भी नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। मेन आपको बाईसरन जाना है बाय हॉर्स, और बाईसरन जाने के लिए आपको बोले जाएंगे 3 से 4 हज़ार पर पर्सन, लेकिन आपको नहीं देने हैं। और ये भी रेट आपको दिखाई जाएंगे, लेकिन ये भी आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, एक्चुअल में ये कोई रेट नहीं है। आपको 3 से 4 हज़ार पर पर्सन बोले जाएंगे। आप आगे चलना बोलना कि नहीं हम तो पैदल पैदल ही चले जाएंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो वो आपको 1000 पर पर्सन के हिसाब से ले जाएंगे। हम लोग भी गए थे और हम लोग 1000 पर पर्सन के हिसाब से गए थे। ये वाली जो वीडियो आपको दिख रही है, इसमें ये बोल रहे हैं अंकल, ये हम हॉर्स राइड से जा रहे थे, तो ये जो बीच में पॉइंट बोलते हैं कि हम 5-6 पॉइंट लेके जाएंगे, तो यहाँ पर बस इस तरीके से रोक के ये बताते हैं कि यहाँ ये हुआ था, वहाँ वो हुआ था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मेन इनको बाईसरन जाना होता है, तो 22 रन जाने के 1000 पर पर्सन के हिसाब से ठीक है। आपको ज़्यादा मन करे तो बाद में, हम लोगों को भी थोड़ी दया आई क्योंकि हॉर्स राइड करके बहुत, देखो ये इतने जो रास्ते हैं उनमें से जाते हैं तो बहुत टफ है, तो बाद में आप 100, 200, 500 रुपये उनको एक्स्ट्रा दे सकते हैं। ये जो व्यू दिख रहा है आपको, ये 22 रन का है, यहाँ तक हॉर्स जाते हैं, और फिर यहाँ पर आपको अंदर जाने के लिए 35 रुपये पर पर्सन एंट्री है। फिर आपको ये वाला जो व्यू है वो देखने को मिलेगा, यहाँ ऊपर एक ये बड़ा सा गार्डन है। एक्चुअली 22 रन में कुछ नहीं है गार्डन में, बस आपको हॉर्स राइड का जो मज़ा है वो ही है एक्चुअली, बाकी यहाँ तो एक गार्डन है। फिर ये 22 रन वैली में ही यहाँ पे एक एक्टिविटी होती है, तो इस एक्टिविटी को भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी है। और लेकिन इस एक्टिविटीज़ के लिए कोई बार्गेनिंग नहीं है, फिक्स है 350 रुपये, और अगर आप सेल्फी स्टिक लेना चाहते हैं तो 50 रुपये उसके अलग से देने पड़ेंगे। इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं होती, सिर्फ नीचे से ऊपर आने में आप 4000 को 1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4000 रुपये पर पर्सन की जगह 1000 रुपये पर पर्सन आपको देने हैं, इससे कम नहीं होंगे, ये आपका लास्ट है। और इतने में वो मान जाते हैं, थोड़ा आगे तक आपको पैदल पैदल चलना पड़ेगा तो वो लोग मान जाते हैं। ठीक है, ये तो रहा आपका पहलगांव में। एक दिन रुकोगे तो एक दिन तो आप जाओगे 22 रन, और 22 रन में आप यहाँ पे इस तरीके के एंजॉय करोगे जो हमने किए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जंपिंग भी है, और बाकी फ़ोटो वोटो क्लिक कराने के भी एक्टिविटीज़ हैं, जिनके चार्जेस फिक्स हैं, ऊपर कोई भी बार्गेनिंग नहीं होती है। जैसे मैंने आपको 0 पॉइंट वाली वीडियो भेजी है, मतलब बना के सेंड की है, उसमें आपको एक्टिविटीज़ की बार्गेनिंग बताई हुई है, लेकिन यहाँ कोई बार्गेनिंग नहीं होती, बस यहाँ अच्छे फ़ोटो शूट करवाओ, और यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ हैं इनके रेट फिक्स है, अंदर आने की रेट भी फिक्स है 35 रुपीज़ पर पर्सन, बस ऊपर हॉर्स राइडिंग से आप आ सकते हैं। सेकेंड आपके पास ऑप्शन होता है बेता वैली जाने के लिए, फिर सेकेंड डे आप, ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं। 22 रन के लिए आपको हॉर्स राइड करना पड़ेगा, बेता वैली के लिए आपको टैक्सी करनी पड़ेगी। टैक्सी आपको 900 रुपये लेगी और आपको बेता वैली लेकर जाएगी। और ये जो सीन आपको दिखाई दे रहा है ये बेता वैली का है, यहाँ पे बीच में रिवर है, साइड में गार्डन है, और काफ़ी अच्छा है, इसका एक अपना अलग इंजॉय है, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। थैंक। तो आप 2 दिन चाहिए, अब एक दिन तो आप आराम से रुकिए पहलगांव, और वहाँ पे 22 रन चाहिए हॉर्स राइड करके, और दूसरे दिन फिर आप बेताब वैली जाइए और इस तरीके के पिक भी क्लिक करिए। और ये जो व्यू आपको दिख रहा है पिक में, ये पहलगांव में नीचे ही है, आप यहाँ पे भी आराम से अपना एक, जब रात को रुकोगे तो रात को घूम के यहाँ आप बहुत इंजॉय कर सकते हो, पिक क्लिक करा सकते हो। तो पहलगांव अपने आप में 2 दिन का है, एक दिन में आप पहलगांव नहीं घूम सकते, एक दिन आपको 22 रन जाने के लिए चाहिए, दूसरा अपना बेता वैली जाने के लिए, और नाइट में आप आराम से नीचे, यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे व्यू हैं, रिवर है, गार्डन है, वहाँ भी आप घूमिए। और ये सारा, मतलब जो आप हॉर्स राइड, बेता वैली और ये सारा मिला के आप कितने 2000 या 2500 में सारा कर सकते हैं।